मिहिर वहां की सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने सोचा, आई थिंक जब तक मुझे ये पूरी सिचुएशन समझ में नहीं आ जाती तब तक मुझे शांत ही रहना चाहिए और चुपचाप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मिहिर इतना सोच ही रहा था कि तभी जग्गू उस आदमी के सामने अपना सिर झुकाते हुए बोला, टाइगर भाई कैसे हैं आप और आप यहां पर क्या करने आए हैं? मिहिर ने जैसे ही जग्गू को इस तरह उस आदमी के सामने अपना सिर झुकाते हुए देखा, मिहिर बिल्कुल शॉक्ड हो गया और मिहिर ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जग्गू दादा जो इतना बड़ा गुंडा बना फिरता है वो इस आदमी के सामने सिर क्यों झुका रहा है? और क्या कहा इसने, टाइगर भाई? क्या ये इसका भी बॉस है? जग्गू की बात सुनकर उस आदमी ने गुस्से से कहा, अच्छा तो तुम मुझसे ये बात पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो अब तक तो तुम इन दोनों को यहाँ से रफा दफा कर चुके होते, है ना? जग्गू ने उस आदमी की बात सुनकर बड़ी ही बेशर्मी से कहा, हाँ बिल्कुल टाइगर भाई, आखिर पैसा है ही ऐसी चीज। और पता है मिस्टर मिहिर बहुत समझदार है, वो यहाँ पर मेरे कहने पर अकेले आए और उनसे मैंने जितना पैसा मांगा उन्होंने बड़ी आसानी से मुझे उतना पैसा दे भी दिया। मैं तो कहता हूँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसके बाद अगर आप भी इनसे पैसे मांगेंगे ना तो ये आपको भी पैसे दे देंगे। अच्छा मौका है टाइगर भाई, ले लो जितना पैसा लेना है। जग्गू की बात सुनकर वो आदमी लगभग शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, जग्गू अपने बकवास बंद करो, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे जैसा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे जैसा कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं हूँ जो कुछ पैसों के लिए अपने उसूलों को भूल जाए। इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें पैसा मिल गया है और तुम यहाँ से जा रहे हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और तुम्हें तो ये काम करने के लिए मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है ओके, थैंक यू सो मच टाइगर भाई, मेरी जेब तो भर गई है और मैं तो चला अब मजे करने। ए चलो पंटर लोग, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो चलते हैं। इतना बोलकर जग्गू ने अपने आदमियों की तरफ देखा और वो सारे दरवाजे से बाहर निकल गए। तभी जग्गू ने मिहिर की तरफ देखा और ना में सिर हिलाते हुए कहा, माफ करना मिहिर, अब जब टाइगर भाई यहाँ पे हैं तो मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसलिए चलता हूँ, बाय। इतना बोलकर जग्गू वहां से चला गया और मिहिर उसे जाते देखकर सिर्फ अपने दांत पीस सकता था और उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मिहिर इस टाइम अपनी एनर्जी उस जग्गू पर वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसके जाते ही टाइगर मिहिर के सामने आकर खड़ा हुआ और मिहिर ने बड़े ही शांत लहजे में उसकी तरफ देखकर कहा, जैसा कि अभी जग्गू दादा ने तुम्हारा नाम लिया, टाइगर भाई यही नाम है ना तुम्हारा? तो मिस्टर टाइगर भाई, अब जब आपने फिर से हम दोनों को पकड़ लिया है तो चलिए इस बारे में थोड़ी बात करते हैं, आप भी मुझे अपनी शर्तें बताइए। मिहिर को इस तरह बात करते देखकर टाइगर ने कहा, पहला आदमी देखा है जो किडनैप होने के बाद भी किडनैपर से इतनी इज्जत से बात कर रहा है, और ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई बिजनेस की डील कर रहा हो। इंटरेस्टिंग। मिहिर को इस तरह से बात करते देखकर टाइगर को काफी ज्यादा हैरानी हुई। मिहिर ने उसकी बात सुनकर उसी तरह बिल्कुल शांत होकर बोला, हाँ तो अब मैं अगर यहाँ पे आपके सामने हूँ तो बात से ही पूरा मैटर सुलझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिना वजह मारपीट करना मैं भी बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, इसलिए अगर आप मुझे अपनी शर्तें बता देंगे तो मैं आपकी वो शर्तें पूरी करके इस मैटर को यहीं पर सुलझा सकूंगा। टाइगर ने मिहिर की बात सुनकर अपनी शर्तों का खुलासा करना शुरू किया और मिहिर की तारीफ करते हुए कहा, मिस्टर मिहिर मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी काफी सुन रखा है और आज तुमसे मिलकर मुझे ये बात समझ में आ गई कि लोग तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों बोलते हैं, लेकिन तुम्हें अपने काम और बिजनेस को संभालते हुए इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि तुम किसी को नाराज ना करो। टाइगर की बात सुनकर मिहिर ने तुरंत पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैंने अपने काम से किसी को नाराज किया है? मिहिर की बात सुनकर टाइगर ने तुरंत हां में सिर हिलाया और कहा, हां अब अगर तुमने शर्तों की बात की है तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूं। मेरे बॉस ने कहा है कि जब तक तुम ओल्ड सिटी के प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दे सकता, इसलिए तुम अगर यहां से जाना चाहते हो तो सिटी का डेवलपमेंट रोक दो। मिहिर ने जैसे ही टाइगर की यह शर्त सुनी उसने अपने मन में कहा, मतलब मेरा शक ठीक था, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट को रोकने के लिए तन्मय और साहिल भाई ही पीछे पड़े हुए हैं, इसका मतलब इन सब के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ है। मिहिर को इस तरह सोचते देखकर टाइगर ने कहा,
देखो मिहिर, मुझे तुम बिजनेसमैन लोगों की ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि तुम लोग एक बात को लेकर इतना ज्यादा जिद क्यों करने लग जाते हो। और मेरी बात मानो तो वैसे भी तुम्हें ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट में ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए तुम उसे बंद ही क्यों नहीं करवा देते। जैसे ही टाइगर अपनी बात बोलकर चुप हुआ, मिहिर जो अभी तक कुछ सोच रहा था वो खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाया और उसने टाइगर की तरफ देखकर कहा, टाइगर भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं और उसने आपको ये करने के लिए कितने पैसे दिए हैं। मिहिर की बात सुनकर तुरंत टाइगर ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इस काम में भी हमारे कुछ उसूल होते हैं, हम कभी भी अपने बॉस का नाम किसी को नहीं बताते। मिहिर को इधर उधर की बातें करके टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था और तभी मिहिर ने बिना किसी झिझक के पूछा, या तुम्हें यह सब करने के लिए तन्मय सहाय ने कहा है या इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड साहिल बिष्ट है? मिहिर की बात सुनकर टाइगर ने मिहिर को घूर कर देखा और ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता और अब तुम इस बारे में मुझसे कोई भी बात नहीं करोगे। तुम्हें अगर कोई भी बात करनी है तो इस शर्त को लेकर करो बस। मिहिर ने टाइगर की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारी ये शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूं तो तुम क्या करोगे? टाइगर ने मिहिर की बात सुनकर गुस्से से उसे देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी ये शर्त नहीं मानोगे तो मजबूरन मुझे अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें मारने में एक पल की भी झिझक नहीं दिखाऊंगा और तुम्हारे साथ साथ ये लड़की भी मरेगी। इतना बोलकर टाइगर की आंखों में गुस्से के साथ साथ हत्या का इरादा साफ नजर आ रहा था। टाइगर भाई की बात सुनकर मिहिर ने बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, आपकी बात सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब अगर आपने लड़ने का ही फैसला कर लिया है तो चलिए फिर हो जाते हैं दो दो हाथ। मिहिर की बात सुनकर टाइगर उसे घूर कर देखने लगा। उसके इस तरह से चैलेंज करने पर वो पीछे कैसे हट सकता था, क्योंकि टाइगर भाई की फाइटिंग स्किल्स भी किसी से कम नहीं थी और उनकी फाइटिंग स्किल्स को लेकर काफी दूर दूर तक उनकी चर्चा होती थी। टाइगर ने मिहिर का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है अगर तुम ये चाहते हो तो फिर यही सही। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, आज थोड़ा एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिल जाएगा। इतना बोलकर टाइगर ने अपने लोगों को इशारा किया और उन लोगों ने मिहिर को छोड़ दिया। जैसे ही टाइगर के लोगों ने मिहिर को छोड़ा, मिहिर ने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए थोड़ा सा वार्म अप किया, जिसे देखकर टाइगर भाई के पीछे खड़ा उनका एक आदमी जो दिखने में बिल्कुल पतला दुबला था वो बोला, मैंने सुना इन लोगों के पास फाइटिंग स्किल बिल्कुल नहीं होती, बस दिखावे के ही होते हैं, तो अगर टाइगर भाई आप कहें तो मैं इसे मजा चखाऊं। टाइगर ने आदमी की बात सुनकर कहा, हाँ ठीक है जाओ लेकिन थोड़ा संभल कर। मिहिर के सामने पहुंचकर उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं फाइटिंग स्किल क्या होती है। इतना बोलकर उसने मिहिर के ऊपर पहला अटैक किया और वो एक जोरदार मुक्का मिहिर के मुंह के पास ले गया, लेकिन मिहिर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ मोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। मिहिर के इस मूव में इतनी ज्यादा तेजी थी कि वहां खड़े सभी लोग एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए और एकदम जोर से चिल्लाने लगे। तभी एक दूसरा आदमी मिहिर की तरफ बढ़ा और उसने भी उसी तरह से मिहिर के ऊपर अटैक करना चाहा, लेकिन मिहिर ने इस बार उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे पीठ के बल जमीन पर पटक दिया और उस आदमी की एक चीख निकली जो पूरे कमरे में गूंज गई। तीसरा आदमी मिहिर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मिहिर ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम सब एक एक करके मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए तुम सब एक साथ ही आ जाओ। मिहिर ने जैसे ही ये बात बोली, टाइगर मिहिर को सर से लेकर पांव तक घूर कर देखने लगा और उसने अपने सभी आदमियों की तरफ इशारा किया और वो सब एक साथ मिहिर की तरफ झपटे। देखते ही देखते मिहिर ने उन सबको धूल चटा दी और वो सभी जमीन पर गिर पड़े और कराह रहे थे। तभी टाइगर के पीछे खड़ा एक आदमी बिल्कुल दुबक गया, लेकिन टाइगर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें इस तरह से छिपने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने के लिए अब मैं जा रहा हूं, तुम जाओ उन सबको उठाकर किनारे करो। वो आदमी दौड़ता हुआ गया और उसने अपने सभी साथियों को किनारे किया। जैसे ही लड़ने की जगह बनी, मिहिर के सामने टाइगर भाई आकर खड़ा हुआ और उसने मिहिर की तरफ देखकर कहा, इन बच्चों से तो कोई भी जीत सकता है,
चलो मैं तुम्हें असली फाइटिंग दिखाता हूं। मिहिर ने टाइगर की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी एक दूसरे पर अटैक नहीं किया था। तभी वो आदमी जो अपने सभी साथियों को घसीट कर लाया था, वो टाइगर की तरफ देखकर बोला, क्या कर रहे हैं टाइगर भाई, इस मिहिर पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इसने हमारे सभी आदमियों को इतनी बुरी तरह से मारा है। मिहिर टाइगर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था, और तभी इन दोनों में से कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। पर वो लोग जो दर्द से कराह रहे थे, जब उन लोगों ने देखा कि वो दोनों फाइटिंग शुरू ही नहीं कर रहे हैं, तो सब आपस में बातें करने लगे। आखिर ये लोग इस तरह से खड़े क्यों हैं? ये लोग अपनी फाइटिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? काफी देर तक जब मिहिर ने अटैक करना शुरू नहीं किया, तो टाइगर के सब्र का बांध टूट चुका था, और उसने मिहिर पर बिल्कुल चीते की तरह उछलते हुए एक जोरदार पंच उसके मुंह के पास लाया, और मिहिर ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए उसके उस अटैक को रोक लिया। जैसे ही उन दोनों के हाथ का टकराव हुआ, वो दोनों ही लड़खड़ा गए, और मिहिर पहले ही अटैक से समझ गया कि टाइगर काफी ज्यादा अच्छा और तेज फाइटर है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। शायद इसीलिए उसका नाम टाइगर रखा गया है। जब मिहिर ने उसके मूव को इस तरह से डिफेंड किया, तब मिहिर ने टाइगर की तरफ देखकर कहा, अब मेरी बारी है टाइगर भाई। टाइगर ने भी उसकी बात सुनकर हां में अपना सिर हिलाया, और मिहिर ने भी एक रॉड का सहारा लेते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्विंग किया और अपने दोनों पैरों से उसके पैर पर एक जोरदार किक मारी, जिससे टाइगर को काफी तेज दर्द हुआ और वो लड़खड़ाते हुए गिरने से बचा। क्या मिहिर टाइगर भाई से ये फाइट जीत पाएगा और आलिया को बचाकर वहां से ले जा पाएगा? क्या मिहिर का अंदाजा सही है इस पूरी किडनैपिंग के पीछे साहिल और तन्मय का हाथ है, या फिर कोई और है जिसने ये सब करवाया है? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।